हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। गाइस, आज हम करने वाले हैं नाजो 35G का स्पीड टेस्ट, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉकिंग, वाईफाई स्पीड, ऐप डाउनलोडिंग स्पीड, गीकबेंच, एंटीटू बेंचमार्क टेस्ट और साथ में डिस्प्ले स्पीकर टेस्ट रियलमी 8 5G के साथ। रियलमी 8 5G का दो वेरिएंट लॉन्च हुआ था, 4GB रैम के साथ और 8GB रैम के साथ। मैं सोच रहा था कि 6GB रैम वेरिएंट क्यों नहीं लॉन्च किया, कब लॉन्च होगा। तो लीजिए, रियलमी 8 5G का 6GB रैम वेरिएंट लॉन्च हो चुका है नाजो 35G के नाम से। इस बार मैंने नाजो 35G का 6GB रैम वेरिएंट परचेस किया है। रियलमी 8 5G का मेरे पास 4GB रैम वेरिएंट ऑलरेडी है। दोनों स्मार्टफोन में सेम प्रोसेसर यानी डायमेंसिटी 700 यूज किया गया है। दोनों स्मार्टफोन में आपको फुल HD प्लस 90Hz LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद पीक ब्राइटनेस 600 nits। बैटरी कैपेसिटी दोनों स्मार्टफोन की सेम है 5000 mAh की और चार्जिंग सपोर्ट 18W का मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन में 48MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा और 16MP का सेल्फी शूटर दोनों ही डिवाइस में एंड्रॉइड 11 बेस्ड रियलमी आई 2.0 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। बैटरी मैंने दोनों डिवाइस का फुल कर दिया है। स्क्रीन ऑन टाइम दोनों का 5 मिनट सेट है। दोनों में 90Hz रिफ्रेश रेट सेट है। रूम टेम्परेचर मेरा अभी 32 डिग्री के आसपास है। नाजो 35G का बॉडी टेम्परेचर 35 डिग्री एंड रियलमी 8 5G का 36 डिग्री। गाइस, गेम स्पेस से मैंने सारे ऐप्स को रिमूव कर दिया है। सबसे पहले हम दोनों डिवाइस को एक बार रिबूट करके देखते हैं। नाजो 35G पहले बूट हो गया, 34 सेकंड्स लिया बूट होने में और रियलमी 8 5G ने 39 सेकंड्स। अब गई सिक्योरिटी सिस्टम हम दोनों डिवाइस का चेक करेंगे। पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर। ओके, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। इस प्राइस सेगमेंट में गाइस, रियलमी के जितने भी स्मार्टफोन मैंने अभी तक ट्राई किया है, सब में फिंगरप्रिंट स्कैनर मुझे काफ़ी सही लगा, अच्छे से वर्क करता है। ये दोनों डिवाइस भी अच्छे से वर्क कर रहा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइड बाय साइड मैंने दोनों डिवाइस को ट्राई करके देखा एंड गाइस, स्लो मोशन में भी मैंने वीडियो को प्ले करके चेक किया, दोनों डिवाइस सेम टाइम ले रहा है डिवाइस को अनलॉक करने में। फेस अनलॉकिंग सिस्टम की अगर बात करूं तो अगेन दोनों स्मार्टफोन मुझे काफी क्लोज लगा स्पीड के मामले में, लेकिन स्लाइटली क्विक लगा इस बार मुझे नाजो 35G। अब गाइस स्पीड टेस्ट, सारे ऐप्स को मैंने बैकग्राउंड से हटा दिया है। दोनों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल सेटिंग से। YouTube ऐप नाजो 35G ने पहले ओपन किया बट वीडियो जो है वो पहले प्ले किया Realme 8 5G ने, थोड़ा सा पहले। कैमरा ऐप में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, फुल इंटरफेस पहले नाजो 35G ने पहले ओपन किया एंड शटर स्पीड में स्लाइटली क्विक लगा मुझे नाजो 35G अगेन।
तो 2GB एक्स्ट्रा रैम का कमाल कह लीजिए या फिर बेटर ऑप्टिमाइजेशन, नॉर्मल एप्स के साथ साथ ऑलमोस्ट सारे गेम्स को, बल्कि सारे गेम्स को नाजो 35G ने पहले ओपन किया गाइज। अब रैम मैनेजमेंट मल्टीटास्किंग, वैसे एक तरफ 6GB रैम है नाजो 35G में और रियलमी 8 5G में 4GB रैम है, तो दोनों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ₹1000 एक्स्ट्रा पे करके नाजो 35G में आपको बेटर स्पीड देखने को मिलेगा और साथ में बेटर रैम मैनेजमेंट भी। दोनों स्मार्टफोन का हम वाईफाई स्पीड चेक करेंगे, दोनों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, काफी इंटरेस्टिंग। डाउनलोड स्पीड मार्जिनली बेटर लग रहा है रियलमी 8 5G का और अपलोड स्पीड नाजो 35G का, नो पॉइंट्स। अब गाइस थोड़ा सा प्रैक्टिकल टेस्ट, दोनों स्मार्टफोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है तो दोनों स्मार्टफोन में हम एक गेम 340 MB का प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके देखते हैं स्टॉपवॉच लगाकर। वाओ कमाल हो गया गाइस, दोनों स्मार्टफोन ने सेम टाइम लिया 44 सेकंड्स, 44 सेकंड्स लिया गेम इंस्टॉल करने में। अब गाइस गीकबेंच स्कोर चेक कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन का। सिंगल कोर का स्कोर मोर अलेस सेम दिख रहा है, बट मल्टी कोर का स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है नाजो 35G का। वैसे रियलमी 8 5G ने थोड़ा सा बेटर स्कोर किया है, 1-2 नंबर कभी भी गाइज आगे पीछे हो सकता है। अगर मैं वापस से टेस्ट रिपीट करूँ तो स्कोर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मल्टी कोर का जो स्कोर है थोड़ा सा ज़्यादा है। टेक्निकली नाजो 35G को पॉइंट मिलना चाहिए, लेकिन मैं पॉइंट नहीं देता हूं। अब गाइज हम चेक करेंगे एंटीटू बेंचमार्क टेस्ट। तो इस बार नाजो 35G क्लियर विनर है, 26,500 स्कोर ज़्यादा है नाजो 35G का। नाजो 35G का स्कोर ज़्यादा आया, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखने को मिल रहा है, CPU स्कोर दोनों का ऑलमोस्ट सेम कह सकते हो, लेकिन GPU स्कोर नाजो 35G का 20,000 ज़्यादा दिख रहा है। अब गाइज डिस्प्ले की बात करते हैं, गाइज दोनों स्मार्टफोन का डिस्प्ले मुझे काफ़ी सिमिलर लगा। ब्राइटनेस की अगर बात करें तो दोनों स्मार्टफोन 600 पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है 600 निट्स तक, और दोनों काफ़ी सिमिलर भी लग रहा है स्क्रीन में आप देख सकते हो, और विंग एंगल भी गाइज दोनों स्मार्टफोन का काफ़ी सिमिलर है एकदम, मतलब एक जैसे ही आपको लगेगा। और वीडियो एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो प्ले स्टोर में मैंने 1080p वीडियो प्ले करके देखा दोनों स्मार्टफोन में सेम फुल ब्राइटनेस के साथ, और गाइज अगेन दोनों का एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी सिमिलर लग रहा है देख सकते हो आप। अगर मैं शार्पनेस की बात करूँ, कलर्स की बात करूँ तो काफ़ी सिमिलर लगेगा दोनों, ऐसा लगेगा दोनों सेम डिवाइस है। स्काई का कलर हो या फिर ग्रास या पत्तों का, यानी ग्रीन या ब्लू कलर हो, या फिर जो भी एलिमेंट्स आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, उनमें जो भी कलर्स आपको दिख रहे हैं दोनों स्मार्टफोन में बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है। स्पीकर की अगर बात करूँ तो अगेन दोनों काफ़ी सिमिलर था, मैंने वीडियो शूट करने के बाद कंप्लीट करने के बाद फिर से दोनों स्मार्टफोन में कुछ म्यूज़िक प्ले करके सुना और मुझे फिर से दोनों बिल्कुल सिमिलर लगा। वैसे सैंपल अभी आपको सुना देता हूँ मैं। लाउडनेस की अगर बात करूँ, क्लैरिटी की बात करूँ या फिर बेस की बात करूँ, दोनों ही मुझे यहाँ पे काफ़ी डिसेंट लगा स्पीकर की अगर बात करें तो, और दोनों काफ़ी सिमिलर लगा। सैंपल सुन लीजिए। Right.
एंड में गाइज दोनों स्मार्टफोन का बैटरी भी दिखा दूँ। दोनों स्मार्टफोन में बैटरी मैंने फुल कर रखा था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, और अब भी दोनों स्मार्टफोन में 9% बैटरी ड्रॉप हुआ, यानी बैटरी के मामले में भी दोनों स्मार्टफोन काफ़ी सिमिलर एक्सपीरियंस आपको देगा। बाकी दोनों स्मार्टफोन का फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। एक वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकता, जितनी चीज़ें मैं कवर कर सकता था सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट, पबजी बैटरी ड्रेन टेस्ट, चार्जिंग टेस्ट, कैमरा टेस्ट वगैरह भी मैं बहुत जल्द दोनों स्मार्टफोन का शेयर कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो किसी भी एंगल से हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, और गाइस ऐसे वीडियोस फ्यूचर में अगर आप देखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए iPhone Unbox।